हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का टाइम है और हमारे यहाँ अभी खाना बना रहे हैं, खाना बन रहा है। तो इसी में अभी फिलहाल रोटी बना रही हूँ। ये मक्के का रोटी है और बहुत सी जगह ना छोटे छोटे मक्के की रोटी बनते हैं, लेकिन हमारे इधर ना पूरा तवा भर के वाली रोटी बनती है। तो देखिए, मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी और आप बस देखो कैसी बनी है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और आपके इधर कैसे, कितने साइज़ वाली मक्की की रोटी बनती है? और वीडियो पसंद है ना तो लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कैसे बन रही है अभी रोटी, और लगभग ये बन चुके हैं ऐसे ही। और ना अच्छे से इसको मरदना पड़ता है आटा गूंथते वक्त मक्के को, नहीं तो अगर अच्छे से नहीं मरदने से ना आटा टूट जाता है, वही रोटी नहीं बनता सही से, किनारे किनारे ना टूट जाते हैं इस। तो बहुत अभी मगन होके मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी। देखिए कितना मज़ा आ रहा है मुझे बनाने में। ऐसे हम लोग कभी कभी बनाते हैं, जैसे साग बन रहा था तो मक्के की रोटी तो बनना ही था। तो ये देखिए पूरा बन चुका है और अब तवा भी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, तो अभी तवे पे डाल देते हैं। तो ये देखिए, ये रही रोटी। और ये बहुत बड़ा वाला तवा है इसलिए मेरे छोटे साइज थोड़ा हो गया है, तो मुझसे बहुत बड़ा बनता भी नहीं है रोटी। और इधर मैंने साग उबाल के रखा हुआ है नमक डाल के। इसमें पालक है और बथुआ की साग है, बहुत हेल्दी साग है। तो अगर आपके बर्तन ना कढ़ाई या कुकर अगर काले पड़ गए हैं तो उसमें साग पका लो कोई भी, बहुत अच्छा सफ़ेद हो जाता है वो बर्तन। तो अभी देखिए, एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया था और दूसरी तरफ इधर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिए सरसों की, क्योंकि उसके बाद ढेर सारा मैंने लहसुन काटा, अदरक लिया। अदरक बिल्कुल ऑप्शनल है इसमें साग में, और मिर्च लिए हैं और सबको एक साथ डाल देंगे। और ना सरसों के घर की तेल है ये, तो कितना भी इसको ना मैं गर्म कर देती हूँ लेकिन फिर भी ये झाग बनता ही है। लोग कहेंगे कि मैंने तेल गर्म नहीं किया था इसलिए झाग बना, लेकिन बहुत गर्म कर देती हूँ तब भी झाग बनता है। तो देखिए सब फ्राई हो गई थी अच्छे से, तब मैंने इसमें साग डाल दी है। और ये घोटा घाटा हुआ साग है, घोटने से ना दाल घाटने वाला जो होता है उससे घोटने से बहुत अच्छा बारीक हो जाता है। मिक्सी में नहीं पीसा है मैंने, ऐसे ही बहुत अच्छे से देखिए पीस गया अच्छा सा। तो इसे 3 से 4 मिनट के लिए अब इसको भून लेंगे, जिससे सुनहरा हो जाएगा साग, थोड़ा सौंधा हो जाएगा। और उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पैरों में महावर लगा हुआ है ना। ये जो महावर है, या तो घर में लोग लेडीज खुद से लगा लेती हैं, लेकिन अगर हमारे गांव में ना, जैसे हर गांव में हमारे तरफ जो एक ठाकुर जो होता है, जो नाई होता है, जो नाखून काटते हैं, उसकी जो वाइफ होती है वो गांव में महिलाओं के नाखून काटती है, हाथों के पैरों के। और पहले काटते थे, अब धीरे धीरे इसका चलन कम हो गया है, लेकिन फिर भी कभी कभी आते हैं। तो उसके बदले उनको कुछ कुछ अनाज है घर से मिल जाता है, या कुछ जो भी रहता है सीज़न में वो चीज़ उसको उनको मिलता है। तो ये जो आई थी अभी हमारे गांव की, जो हजामीन होती है, हजामीन कहते हैं या और महिला जो होती है उनको, तो वही नाखून काट के गई, या तो कटवाना है तो कटवाओ, नहीं तो ना कटवाओ। पर उसके बाद ये उनका उन्होंने रंगा हुआ है, ये महावर लगाया था। और ये जो महावर ना मैंने लगाए, उसके बाद पैर धो ली थी, इसके कारण पूरा फैल गया। ये देखिए, चप्पल पहने ना, तुरंत चप्पल पहन लेने से ये भींगा हुआ ही था। और मैंने फिर चप्पल पहन ली पैरों में, इस वजह से ये थोड़ा सा फैल गया है ये कलर इसका। और पहले के जो नियम थे ना, कुछ जैसे बड़े लोग होते थे, बड़े मतलब कुछ नीचे तबके के लोग आते थे ना, तो सब काम करते थे ये सब। सबका काम अच्छा ही होता है, मैं ये नहीं कह रही कि उनका काम खराब है। पेट भरने के लिए सब काम अच्छा ही होता है और मेहनत से किया हुआ। तो जैसे ये सब चीज़ें एक कमाने का जरिया भी था, जैसे जो गांव की महिला है वो क्या करे,
तो जो नाई होते हैं उनकी पत्नी वाइफ जो होती हैं, तो उन्होंने वही आके रंगते हैं और खुद से भी रंगते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आएंगे तो हमारा पैर में रंग आ जाएगा, नहीं, हम लोग भी अपना रंगते हैं। जैसे ये इसका ना, ये जो कलर होता है ना, ये इसका एक कलर आता है मार्केट में महावर के लिए। ऐसे आपको अगर कलर नहीं मिलता है, ये वाला महावर का वाला स्पेशल अगर नहीं मिलता है ना, तो अब अगर आप कमेंट करेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं खुद से, वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि हम लोग बचपन से ये इसको देखते आए हैं ना, तो हम लोग को अच्छे से पता है कि अगर जैसे वो लोग तो अपना कलर यूज करते हैं, उनका भी कलर अच्छा, ज़्यादा अच्छा वाला होता है, लेकिन अगर हम लोग अच्छा कैसे बना सकते हैं वो तरीका भी मुझे मालूम है। जब लोग मतलब छोटे छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग सीख चुके हैं ये। और बचपन में तो काफ़ी मतलब खुशी खुशी ये रंगवाते थे, रंग खुद ही रंग लेते थे, और घर से डांट भी पड़ती थी। स्कूल में तो पता नहीं चलता था, क्योंकि जूते पहन के जाते थे हम, तो पता नहीं लगता था स्कूल में टीचर लोग को, लेकिन घर पे बहुत डांट सुन पड़ती थी ये सब चीज़ों के लिए, कि मतलब ये सब बड़े होके करना है, ये सब अभी तुम लोग अभी बच्चे हो तो ये सब नहीं करते हैं बच्चे लोग। मतलब बचपन के दिन भी काफ़ी अच्छे होते थे। ये देखिए कैसा लग रहा है, ये थोड़ा सा फैल गया है तो इसलिए थोड़ा बेकार सा हो गया है, बाकी नहीं तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब पैरों में पायल हो, बिछिया हो, तो काफ़ी सुंदर लगता है। और आप लोग के भी इधर भी ऐसा चलन है क्या, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग के इधर भी क्या ऐसे ही होता है। और वो जो महिला आती है ना, जो महिला होती है वो पैर जो रंगने आते हैं, वो उनके पास एक बहुत अच्छा सा, एक पता नहीं क्या नाम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक नाखून काटने के लिए वो ना नेल कटर ने भी नहीं रखती है और ब्लेड भी नहीं रखती है, उनका एक लंबा सा ये होता है, उसी से वो नाखून भी काट देंगे, उसी से वो शेप भी बना देंगे। और सेट करना, नाखून को जो सेट करते हैं वो सब एक ही लंबा सा रहता है, एक इतना लंबा सा और पत्ती जैसा रहता है, ये इतना ही चौड़ा रहता है, और एक तरफ धार बनी होती है और एक तरफ बिना धार का होता है, तो नुकीला रहता है, आगे से नुकीला होता है, बहुत अच्छे से वो तिरछा बना होता है और काट देते हैं, तो ऐसे ही होता है। और उनको ना मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पता नहीं चलता था मैं क्या दूँ नहीं दूँ, कुछ समझ में नहीं आता था, तो ऐसे तो घर से मम्मी देती हैं बड़े जो होते हैं, एक बार इकट्ठा अनाज भी मिलता है हमारे यहाँ से, और जब पूरे साल का सालाना एक बार मिलता है, और बीच बीच में जब आएंगे ना तो उनको या तो सब्जी मिलेगी या चूरा होता है या मक्के होता है, मकई होता है, ऐसे जो जिस समय जो जिस चीज़ के सीज़न हो, लीची रहता है लीची, आम के समय आम, मतलब जो भी हो सीज़न के समय वो चीज़ दी जाती है उनको।